खेत बहुत बढ़िया बनाया और अच्छा बाया। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह क्योंकि हमें काम करने के लिए जाना था खेतों में। तो मॉर्निंग आप देख सकते हैं दिन हो गया था, वैसे अभी टाइम 6 बज रहे थे और फैन हमारा चला हुआ था। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, सुबह भी गर्मी लगती है। फिर मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर और सो लेती हूँ, पर पापा ने बोला था कि पूरे 6 बजे उठ के हमने जाना है। फिर मैं उठी गई, फिर मैंने सोचा उठ ही जाते हैं। तो मैं हॉल में पहुंची थी, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी ना, थोड़ी थोड़ी धूप भी अंदर आ रही थी। पर्दे आजकल हटा दिए हुए हैं और उस वजह से धूप अंदर आ जाती है। तो बाहर हमारा ट्रैक्टर खड़ा था एक साइड और एक साइड हमारा ट्रक खड़ा हुआ था। वैसे आज संडे था तो इसलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता भी नहीं है और हमें ट्रैफिक से लेना भी क्या है। हम तो वैसे भी आदत पड़ी हुई है, हमें चाहे कितने मर्जी हॉर्न मारे लोग, हमारी नींद खुली जाती है वैसे भी। सुबह सुबह आजकल पक्षी बहुत शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि क्या ही बताऊं, उठना पड़ता है। फिर बोला था कि सुबह 6 बजे उठ जाना, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ 5 बजे। और 5 बजे भी उठ के ऐसा लग रहा था जैसे कि 12-1 बज गए हो दिन के, ऐसा लग रहा है। मेरे को बोला गया था रात को खाना खाने से पहले कि हमने जो है 6 बजे खेत के काम को जाना है, और मैं 5 बजे उठ के बैठ गई हूँ आधा घंटा पहले, मतलब 5:30 पे उठी थी मैं। तो मैं खुद तो सब सोए हुए हैं, मम्मी उठी है, तो पापा ने बोला था पापा सोए हुए हैं और बोला था 6 बजे जाएंगे हम ट्रैक्टर पे और सारा काम ट्रैक्टर पे और सारा काम करेंगे वहाँ से जाके, और फिर धूप आ जाती है, धूप में नहीं जाना है। खुद सोए और दूसरों को बोला पहले भाई जल्दी उठ जाना, मेरे को तो नींद ही नहीं है अभी इस खुशी में कि ट्रैक्टर चला रहे हैं आज। अब मैं भी सोऊंगी दूसरी बार, आलसी बनूंगी। A few moments later. कितना बड़ा खेत है हमारा जिसमें हम अभी ट्रैक्टर लगा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने लगाया, थोड़ा सा पापा कर रहे हैं अभी। A few moments later. तो मैं सोच रही पहले पैर धो लूं फिर जाती हूँ अंदर। बड़े बुरे हाल हुए वहां पे, कपड़े सारे गंदे हो गए मेरे, ये देखो शकल भी आया थी। बस तो अभी मैं खाना लेके जा रही हूँ वहां पे जहाँ पे हमारे खेतों का काम चला हुआ है, और मैं अभी जा रही हूँ दोबारा से वहीं पे ही। तो सारे दरवाजे बंद कर लेती हूँ, चाय लेके जा रही हूँ और फिर चपाती। धूप बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, कितने दूर है हमारा खेत। वैसे मैं सोच रही थी आज पहाड़ी में बनाए हम ब्लॉग, पर चल कोई नहीं, इंडिया च सही है। बगलों ने यहाँ पे आतंक मचाया हुआ है, कहीं के पैर फिसल के गिर रहे हैं बगले। ऐसा सुनते ये कैसे देख रहे हैं मुझे तिरछी आंख से, अपने शिकार को देखते हुए बगले। जैसे यहाँ से ट्रैक्टर जा रहा है बगला यहाँ पे चींटियों को खा रहा है, इन वाइट बगलों का आतंक देखिए अभी कैसे बूढ़े बन के चल रहे हैं। पर जैसे इनको अपना शिकार देखेगा अपनी गर्दन लंबी कर लेंगे ये। हाँ ये खेत है ही इतना बड़ा, वहां तक आप लोग देख रहे हैं नजर जा रही है यहाँ से आगे, और वहाँ तक आपकी नज़र नहीं पहुँच रही होगी, मेरी भी नहीं पहुँच रही है वहाँ तक, इतना बड़ा खेत है ये। 50 मन कनक यहाँ से निकल जाती है अगर बोया हो अच्छी तरह से। तब ऊपर से बहुत तेज़ धूप पड़ी हुई है, अभी खाना खा के बैठे हैं हम यहाँ आगे। देखिए बगुला आ रहा थी, इसी तरह ट्रैक्टर के पास ही रुकेगा जाके, ये देखो जैसे ज़मीन में हल लगता है वहाँ से कीड़े मकोड़े निकलते हैं जिनको ये खाते हैं, और ये वहीं पे होंगे। खेत में ट्रैक्टर चला होगा वहीं पे ये मिलेंगे आप लोगों को।
और वैसे नदी के किनारे मिलते हैं, तो इनकी काफी तारीफ कर ली है मैंने आज। A few moments later. लाती फेरा हाँ दे आदे आदे सीधा One hour later. अभी बाकी हम घर अब नहाना है। बाल बालों को तो 3-4 सैंपल लगने वाले हैं आज, ऐसा लग रहा है मेरे को। मैं काले कपड़े पहन के गई ना, इसलिए सारी मिट्टी मुंह पे। ओह नो, असली रूप सकल बूढ़ी अम्मा लगी मैं सच में। तभी होंगे पिंपल और मिट्टी निकलेगी। I
स्कार्फ लेके नहीं गई थी और बाप इतनी मिट्टी उड़ी कि आते आते मैं भूत बन गई। अब मैंने खुद की शक्ल देखी तो मेरे को डर लग रहा है कि ये वाला स्कार्फ नहीं बनाऊंगी मैं वीडियो में। ये देखो नील दो मेरी सैलरी दो पूरे 4 घंटे की सैलरी दो मेरी। ये सिर्फ बोलते हैं पर मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं चाहिए। खेत बहुत बढ़िया बनाया और अच्छा बाया। अपनी खेती से प्यार है सिर्फ आप भी कर रहे थे अपने खेती में खुद ट्रैक्टर चला रहे थे। सिद्धू वाला दिखे रहे हैं तुम्हें सिद्धू मुंह से दादी मतलब कहाँ उसका लेवल कहाँ मेरा लेवल सब बराबर लेवल हो जाए। मैंने पहले मैं सोच रहा था मैं पहाड़ी से बनाना ब्लॉग थी मेरे बढ़िया नहीं है ना क्योंकि थोड़ा पैगा जल्दी उठे मिक्स बना गया ना तो कुछ नहीं है ना मैं तो तक खेत रहा काम चल रहा सारे तब तक खेत का काम चला हुआ है हमारे तब पहाड़ी ब्लॉग बनाएंगे बड़े मजा आता है पहाड़ी बोलने में भी और अपने मातृभूमि की भाषा को भी प्रमोट करना चाहिए। हम सिर्फ प्रमोट करेंगे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज समझिए ना तो सारे लाइक करना सब्सक्राइब करना।